दुनिया में ना एक से बढ़कर एक लव स्टोरीज है। आपको पता है उमेश और अक्षदा की लव स्टोरी कैसी है? नॉट इंटरेस्टेड। रोमियो जूलियट। रोमियो एंड जूलियट सी। हीर रांझा। हीर और रांझा, ये लोग कौन है? और मेरी सबसे फेवरेट रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। रणबीर और आलिया, चलो निकलो यहाँ से, अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। आपको क्या लगता है उमेश और अक्षदा की लव स्टोरी ऐसी है? ना, आपने टॉम एंड जेरी देखी है? दोनों ना सेम वैसे ही है, एक टॉम एक जेरी। तो चलो सुनते हैं उनकी लव स्टोरी। तो क्या होता था कि अक्षदा और मैं ना, मतलब होता ऐसा नहीं था, होता क्या था कि हम लोग दोनों स्टार्टिंग में साथ में गाड़ी में एक साथ में आते थे। मतलब आज बोलेगा क्या? अरे हाँ, बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता था कि बहुत साल पहले जब हमने हंगरी पर चालू किया था 2018 में कुछ, तो अक्षत और मैं एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो अक्षत और मैं हमेशा साथ में ही आया करते थे कार में, तो साथ में आते थे मस्ती वस्ती करते करते। फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि अक्षता के आई गेस 2019 में एग्जाम्स आ गए। तो एग्जाम्स चालू है और अक्षता ने ऑलमोस्ट एक महीने के लिए हंगरी बर्ड्स में आना छोड़ ही दिया था वो टाइम। तो मैं कैसे आता था, अब मैं स्टार्टिंग में 4-5 दिन तो मैं कार में आता था, मुझे कुछ नहीं लगता था कि शूट में जाना है, फ़ोन पे बात कर लेता था मैं संकेत से कार में। बट फिर बाद में 10 दिन बाद या एक 12 दिन बाद ना, मतलब यार एक बोर होने लग गया जैसे यार गाड़ी में जाना, मतलब गाड़ी में जाना मुझे एकदम से ऐसा लगता था क्या यार अकेले जा रहा है, कोई नहीं है, बात करने के लिए कोई नहीं है, मस्ती करने के लिए कोई नहीं है। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि मैंने उसको वहाँ पे मिस करना स्टार्ट किया। अच्छा, तो तब से तेरे मन में मेरे बारे में फीलिंग्स आ गई थी? नहीं, तब से फीलिंग नहीं आई थी। तो उसके बाद हुआ कैसे कि तेरे जब ये एग्जाम्स खत्म हुए, एग्जाम्स खत्म करके तू शूट पे आई, तो उस दिन हमने डिसाइड किया था कि हम बहुत बड़ा प्रैंक करेंगे लड़कियों के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रैंक करेंगे। तो हमने क्या किया था उसमें, वो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो हमने वो गोल्ड की ट्रॉफी एक नकली बना के ली थी और वो टूट दी, मतलब अक्षता ने वो ट्रॉफी तोड़ दी। प्रैंक था वो। हाँ। प्रैंक था वो। और उस दिन अक्षता इतना रोई, अक्षता इतना रोई, और ना यार मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये प्रैंक ना हमने ना थोड़ा ज्यादा। अच्छा, तब शूट में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुझे बुरा लगा। शूट में नहीं लगा क्योंकि मस्ती चल रही थी ना तभी, बट देन फिर बोलते ना जब शूट एंड ऑल खत्म हो गया, फिर उसके बाद मुझे एकदम से ऐसा रियलाइज हो गया यार हमने ना कुछ ज्यादा ही मस्ती कर दिया हमने, पता ही। हाँ मुझे याद है, उमेश ने ना मुझे रात को फोन करके पूछा था, प्रीति हमने अक्षरा के साथ ज्यादा ही मजाक नहीं किया? मैंने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया? तो मैंने उसे बोला भी था कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में ये सब चीजें तो चलती है, उसमें क्या। अरे बट तुम लोग एक चीज नहीं पता उस दिन क्या हुआ था पता? तो उस दिन मैं रात को गया और रात को मैंने अक्षता के लिए ना 2 वॉफल भेजे थे। ये वॉफल तूने भेजे थे? मुझे लगा कि प्रीति ने भेजे थे। नहीं, वो वॉफल मैंने भेजे थे। वॉफल? उसको वॉफल? अरे मैं इतना पीछे पड़ता हूँ, मेरे को कुछ पार्टी दे पार्टी दे पार्टी दे, मेरे को तो 5 रुपए का समोसा भी नहीं दिया आज तक, और उसको वॉफल दे दिया। वॉफल दे दो उसको, उसने उत्तर रुला है ना इसलिए दिया फिर वॉफल उसको जाके। मुझे रुलाता नहीं है तू, खाना कितना मारता पीटता मारता पीटता रहता है मेरे को, आपने देखा होगा वीडियो में। अभी वो छोड़, अभी आगे बता। चल तो क्या हुआ, अक्षता फिर आई तो हमारी वापस नॉर्मल मस्ती चालू है, नॉर्मल हो गई। फिर प्रीति का याद है, प्रीति के एग्जाम्स आए थे और तो प्रीति के एमटेक के एग्जाम्स थे, प्रीति चली गई पढ़ाई के लिए। तो वो टाइम पे ना बडीज आपको पता नहीं होगा बट मैं तभी जॉब किया करता था, तो अब मैं शाम को आता था जॉब से एकदम थका रहता था, तो क्या था अक्षता आई रहती थी शूट पे पहले ही, तो अक्षता ना हमेशा फिर मुझे ऐसा चाय बना के देती है, कभी कभी स्नैक्स बना के दे रही है, कभी उपमा डोसा। ओह माय गॉड, मुझे लगता था कि अक्षता ये सारी चीजें सबके लिए करती है। सबके लिए करती थी? मतलब मैं भी खाता था। नहीं नहीं, हाँ। सबसे ज्यादा चीजें, पहली बात तो मैं बता दूं कि उमेश खाता था। एक्चुअली चाय पीने पसंद नहीं है और अक्षता भी ज्यादा पीती नहीं है, तो उमेश के लिए वो स्पेशली चाय बना देती है। देखा देखा, मसाला चाय, चाय नहीं मसाला चाय। अरे संकेत, इतने दिनों से देख रहा हूँ यार, बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं रहता है, ढंग से खाना वाना तो खा रहा है ना? अरे यार उमेश, दिन में तो ठीक है, रात होते होते ना मेरी पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है और ना मुझे नींद ही आती रहती है, और उसकी वजह से मेरा कोई काम भी नहीं हो पाता है।
अगर तुझे अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारनी है ना तो कुछ तो अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे, जैसे कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले, जॉगिंग पे जा, वॉकिंग पे जा, कुछ भी कर, बस अपनी बॉडी को ना थोड़ी एक्टिव रख और ना जरा अपने खाने पीने पे ही ध्यान दे। थोड़ा ना प्रोटीन रिच खाना खा, जैसे कि चिकन हो गया, पनीर हो गया, ये सब करेगा ना तो तू खुद देखेगा कि तेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर रही है। और एक बात तुझे पता है, प्रोटीन एक्स ने क्वालिटी ऑफ लाइफ असेसमेंट टूल निकाला है, रुक मैं तुझे दिखाता हूँ। ये देख, इसमें ना तू अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर एंड यू विल नो तेरे लाइफ का क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर क्या है। जैसे ही तू इसे कंप्लीट करेगा तुझे पता चलेगा कि तेरी बॉडी में क्या लैक हो रहा है और ये तुझे मोटिवेट करेगा टू इंप्रूव योर लाइफस्टाइल। अरे ये तो काफी अच्छा टूल है, इसको यूज करके मैं अपना अभी रूटीन एक्टिव करूंगा। देख देखा, हाँ तो आगे आगे तो, आगे तो तब वो ऐसे कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसा चीज़, मतलब कोई थक के आता है यूजली ये सब चीजें कौन करती, मम्मी है ना वाली करती, इतना ध्यान तुम्हारा तो ठीक है। तो फिर ऐसा था तो करती थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज लॉकडाउन में हुआ कैसे, जिनको पता नहीं है मैं और अक्षदा एक ही बिल्डिंग में रहते थे, संकेत प्रीति एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो फिर होता क्या था कि हम जा नहीं सकते एक जगह शूट करने के लिए, तो ये दोनों शूट करते थे, हम दोनों शूट करते थे। अब वो टाइम पे भी ऐसा होता था कि शूट का काम रहता था, मेरा जॉब रहता था, बहुत काम रहता था, तो अक्षदा आके फिर शूट के भी मतलब ऐसा हेल्प करती थी काम में कि थोड़ा बहुत ये किया वो किया, ऐसा क्या देख रहे हैं संकेत भी हेल्प करता है शूट में, ठीक है। नहीं वही सुन रहा था मैं इतना करता हूँ, मेरी तो कोई तारीफ नहीं करती, सौरभ इतनी सब चीजें करता है उसकी तारीफ नहीं होती है। अक्षदा अक्षदा करती, अक्षदा ने ना थोड़ा सा ऐसा ये कर दिया। नहीं नहीं अक्षदा ने क्या किया, ये बलून उठा के वैसे रख दिया। ये अक्षदा ने कितना काम किया, इतना काम मत कर अक्षदा प्लीज। ऐसा 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 नहीं था, अक्षदा करती थी ठीक है, करती थी। और तुम लोग को वो वाला इंसिडेंट मालूम है, लॉकडाउन में मैं उमेश के घर पे गई थी और हम लोगों ने एक टास्क किया था जिसमें मैंने वो कांच का ग्लास के डाइनिंग टेबल पे हम लोग को बैठना था, वो चिप्स फोड़ने थे, ठीक है, याद है। तो वो टाइम में डाइनिंग टेबल टूट गया था कांच का, लाइक लिटरली पूरा कांच से चूरा चूरा हो गया। मैं तो बहुत हंसा था, बहुत मजा आया था। वो टाइम पे मैं इतनी पैनिक हो गई कि उमेश को कहीं लगी ना हो, कुछ चोट ना आई हो। आई रिमेम्बर वो अक्षदा ना एकदम ऐसा शिवर कर रही थी। मतलब पैनिक होती हूँ, मुझे तो डर भी नहीं लगता कि ठीक है, बट मालूम नहीं उस टाइम क्या हुआ, मैं बहुत डर गई थी उस टाइम। अक्षदा वो बोल रही थी कि मैंने बोला भी था कि हॉस्पिटल जाते हैं, मैंने प्रीति को फोन किया कि प्रीति प्लीज उमेश को बोल हॉस्पिटल में जाते हैं, बट ये लड़का सुनने के लिए तैयार नहीं था। सो केयरिंग, कुछ केयरिंग वेयरिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हां मतलब केयरिंग वेयरिंग ठीक है, मतलब थोड़ा 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 बहुत केयरिंग है। हाँ मुझे याद है, यही संकेत वो बॉक्स इन द बॉक्स वाला हम लोग चैलेंज कर रहे थे तो उसके अंदर शार्क थी। हाँ। तो उमेश क्या कर रहे थे पता है आपको, वो अक्षदा को बोल रहा था अक्षदा संभाल के हाथ डालना, ध्यान देना अपना, धीरे धीरे डालना। वही मैं तो जैसे थी नहीं, जैसे शार्क ना मेरा हाथ खा जाए तो भी चलेगा, अक्षदा को कुछ नहीं होना ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने बोला था दोनों को हाथ डालना, ऐसे किसको देखो स्पेसिफिकली। अरे ये तो ठीक है, वो एक स्विमिंग पूल वाला टास्क किया था, वो चैलेंज ही किया था, उसमें जब चैलेंज खत्म हुआ तो उमेश जैसे अक्षदा बाहर निकली और ये सबसे पहले हम दोनों गए थे ना स्विमिंग पूल में एक साथ, तो जैसे ही बाहर निकले ना टॉवल किसको लाके देता है ये, अक्षदा को। मैं लाया एक मैं ऐसा हाथ कर रहा हूँ, मेरे को तो ये स्कूल जाके दे रहा है। वाह ठीक है, उसको सर्दी जल्दी लग जाती इसलिए मैंने उसको ऐसे दिया। टॉवल ही नहीं, गरम पानी भी दिया। वाओ वाओ गरम पानी भी दिया। तो एक बार क्या हुआ था उसके बाद कि हम लोग हाइड एंड सीक चैलेंज में मैंने टेडी बेयर के अंदर छुपा हुआ था, मतलब और ऐसा भाग रहा था, बहुत फनी वाला चैलेंज था। तो उस दिन क्या हुआ, हाँ टेडी से, तो उस दिन क्या हुआ, मैं टेडी के अंदर बैठ के भाग रहा हूँ, ये लोग मेरे पीछे भाग रहे और फिर गिरा और बहुत मारा अक्षदा ने। अब क्या किया, मुझे कॉल किया और कॉल करके फिर उसने भी बोला कि यार आई एम सॉरी, मतलब प्रीति की तरफ से भी उसने सॉरी बोला, उसकी तरफ से भी सॉरी बोला,
अरे उसने बोला कि हमारे पीठ के पीछे ये सब क्या चल रहा था। अरे कुछ नहीं तो फिर उसने सॉरी यार बोला ना, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मतलब मेरा अकेला ऐसा नहीं है, मतलब शायद तो वो भी मुझे पसंद करती है ऐसा मुझे लगा। तो अब हुआ कैसे कि मुझे अब ये बात पूछनी थी या बोलनी थी उसको, और मैं कब से रुका हूँ कि कब मतलब हाँ अच्छा टाइम या फिर कैसे ना टाइम कब आएगा। तो मैंने क्या किया फिर अब अक्षता के मुझे मतलब बर्थडे आने वाला है अभी एक महीना है और मुझसे नहीं रहा जाता, मतलब बोल दूँ फिर मैं नहीं। फिर बर्थडे के दिन फाइनली जाके मैंने बोला कि मैंने इन दोनों को बताया नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। सच में मैं चुपचाप से केक लेके आया, मैंने ऐसा सोचा था मैं बहुत डरा हुआ था कि मुझे नहीं मालूम क्या होगा। मैं केक लेके आया और केक ला के राग के सामने रखा और फिर अक्षता ने फोड़ा हम सबको शॉक। अभी वो सब तो ठीक है तेरी साइड से तो हो गया, तुझे तूने हाँ क्यों बोला? वही क्या फीलिंग थी इसको हाँ क्यों बोला? मुझे फीलिंग नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आई थी। तो याद है उमेश का जब घर रिनोवेट हुआ था पूरा होम टूर वाला वीडियो हम शूट करने के लिए उमेश के घर पे गए थे। तब यार हम लोग ऐसे कॉफी पीने के लिए बैठे थे, तब ना आंटी अपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कशन कर रही थी कि उमेश के लिए ना रिश्ता आया है दिल्ली से, ठीक है MBA है लड़की, बोला तो था आंटी हमारे सामने ही बैठी थी, तो हम सब सुन तुम्हारा ध्यान नहीं था मेरा ध्यान था। तो फिर तब ना मुझे थोड़ी सी ना जलन सी महसूस हुई, मतलब मैंने बोला नहीं अक्षता यही टाइम है, अभी नहीं बोलेगी तो कभी नहीं बोल पाएगी। तो कैमरे में उड़ने लगे प्यार के गुब्बारे। तो उमेश ने जैसे मेरे बर्थडे के दिन मुझे प्रपोज किया था, तो मैंने सोचा कि उमेश का बर्थडे नजदीक आ रहा है तो ये सही मौका है, इसका इस्तेमाल किया जाए। तो तब मैंने फिर उमेश को हाँ बोल दिया। और वैसे आप ये क्या था? एक्चुअली ना अक्षरा मैं तुझे सच बोलती हूँ, तेरी वजह से ना उमेश को मुझे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। हाँ वो तो बात सच है, और मुझे भी झेलना पड़ेगा। किसको? अक्षिता को। तो ये है उमेश और अक्षिता की स्टोरी। तो ये जो अक्षरा ने हाँ बोलने के बाद हम लोग अक्षरा के घर पे गए, दोनों पेरेंट्स मिले, सब डिस्कशन हो गया। तो फाइनली हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि करंट सिचुएशन को देखते हुए कि हम लोग अगर आगे जो भी कुछ होगा एंगेजमेंट शादी जो भी सेरेमनी होगी तो हम लोग क्लोज सेरेमनी करने वाले घर के अंदर ही, ज्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे। तो जो भी होगा घर के मेंबर्स के मतलब बीच में ही होगा। यस, और आप लोगों को डेफिनेटली हम अपडेट करेंगे। तो ये है इनकी लव स्टोरी। तो और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो मुझे तो नहीं पसंद आया आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो चाहिए तो, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दो। और आगे का और आगे आगे हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, जाके वहाँ पे भी फॉलो कर दो और देखो इनकी और लव स्टोरी। जो एनर्जी दिखाई है ना इस वीडियो में, क्या इसमें क्या एनर्जी दिखाई है? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। आज संकेत का एनर्जी बहुत सही था, सच में हाई पीक पे चल रहा था। बहुत नफरत करते तुम दोनों की लव स्टोरी।